Hello to all, welcome back to Jivaganam. This is Sangeeta, and in today's lecture we will talk about the TAS diagram, which is also called as total alkali silica diagram. Okay, तो ये यूपीएससी में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि टोटल अल्कली सिलिका डायग्राम को जो है ना आप एक्सप्लेन कर दो. और क्या है कि यहाँ पर जो हम रॉक स्टडी करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा आपका जब आप जियो केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो इसलिए टोटल अल्कली सिलिका डायग्राम जो है जानना बहुत ज़रूरी है. तो हम ये देख लेते हैं इसको दिया किसने था. तो इट वॉज गिवन बाई ली बैस, ठीक है. उसके बाद किन रॉक्स के लिए ये दिया गया है. सो दिस इज गिवन फॉर दी वोल्केनिक रॉक्स. ओके, अब ये तो बात हो गई कि वोल्केनिक रॉक के लिए दिया गया है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब वेरिएशन कैसा होगा. जैसे कि हमने QABF डायग्राम देखा है, हमने मैफिक रॉक के लिए डायग्राम देखा है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा. तो ये क्या है, एक बाई एक्जियल डायग्राम है, ठीक है. अब बाई एक्जियल से आप समझ गए होंगे कि इसमें दो एक्सिस होंगी. अब वो दो एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, लेट्स सी. ऑन द एक्स एक्सिस यू विल गेट SiO2 एंड ऑन द वाई एक्सिस व्हाट यू विल गेट, वी हैव टू प्लॉट Na2O प्लस K2O, और हम सिंपली क्या कह दें, अल्कली, ठीक है जी. अल्कली कहते हैं ना जब सोडियम और पोटेशियम होता है, तो क्या बोलेंगे हम, अल्कली. और सिलिका इसको बोलेंगे SiO2 को. अब मेन बात यह है कि जो ये TAS डायग्राम है इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी और जो भी प्लॉटिंग हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है, वो हो रही है नॉर्म के बेसिस पे, ठीक है. नॉर्म हम पढ़ चुके हैं, और नॉर्म क्या होगा, यानी कि यहाँ पर वेट परसेंटेज यूज होगा. यहाँ पर भी क्या यूज होगा, वेट परसेंटेज. अब चलो इसकी जो हम डायग्राम देखते हैं कैसा बनता है, कौन सा मिनरल कहाँ प्लॉट होता है. तो लेट्स सी दैट. अब चलो स्टार्ट करते हैं. यार एक तो ना मतलब जब भी आप मुझे देखते होगे तो मैं ऐसे देख रही हूँ इधर को, क्योंकि ये कैमरा इधर है, फोकस ही नहीं हो पाता है, दूसरा कैमरा लेना पड़ेगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप शुरू करेंगे यहाँ इस साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है. यहाँ आप देख रहे हो, अगर मैं बोलूँ कि less than 45% SiO2 है किसी रॉक में, less than 42% और 45% जो है SiO2 है, तो उस रॉक को हम क्या कहेंगे, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा बेसिक रॉक, ठीक है जी. अगर किसी भी रॉक में less than 45% SiO2 है तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रा बेसिक रॉक, और अगर 45% से ज़्यादा है, 45 से 53 के बीच में वेरी कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बेसिक रॉक. 53 से 60 के बीच में वेरी कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि इंट्रामीडिएट है रॉक वो, ठीक है. और अगर 67 से 77 के बीच में जा रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, बिल्कुल ही एसिडिक रॉक. अब यहाँ देख रहे हो आप कि मैंने ना राइलाइट इतना ऊपर प्लॉट किया हुआ है, क्यों, क्या रीज़न हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो राइलाइट है, राइलाइट कब बनता है, राइलाइट कब बनता है और राइलाइट की क्या कंपोजिशन होती है. हमें पता है राइलाइट में जो है Na2 और K2O काफ़ी हाई कंसेंट्रेशन में होते हैं अलॉन्ग विथ सिलिका, दैट इज़ वाई हमने राइलाइट को यहाँ प्लॉट किया है, ठीक है. और रही बात पिक्रोबिसॉल्ट की, सो व्हाट इज पिक्रोबिसॉल्ट, पिक्रोबिसॉल्ट यहाँ मैंने बता ही दिया है कि 50% से इस साइड पर लाई कर रहा है, less than 45% इधर लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिक्रोबिसॉल्ट. पिक्रोबिसॉल्ट क्या है, एक ये है एक अल्ट्रा बेसिक रॉक. तो अगर कोई भी आपसे पूछे पिक्रोबिसॉल्ट क्या है तो आप उसको साफ साफ बोलेंगे इट इज़ अ अल्ट्रा बेसिक रॉक. अब अल्ट्रा बेसिक रॉक है, अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ पिक्राइट, तो पिक्राइट क्या होता है, या फिर मैं बोल दूँ पिक्रो गैब्रो, ठीक है. तो अगर वो वोल्केनिक है तो हम उसे बोलेंगे पिक्रोबिसॉल्ट, ठीक है, जिसकी एनजीओ कंसेंट्रेशन क्या होती है, एमजीओ कंसेंट्रेशन लाई करती है 12 से 16% के बीच में, ठीक है. अगर 12 से 16% के बीच में लाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे, अगर एमजीओ कंसेंट्रेशन 12 से 16 के बीच में लाई कर रहा है तो हम उसको कहेंगे पिक्रोबिसॉल्ट.
सिमिलरली अगर ग्रेटर देन 16% है या फिर 16% है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पिकराइट या फिर पिक्रोकैब्रो, ठीक है। और अगर सिमिलरली अगर ग्रेटर देन 16% या फिर ग्रेटर देन 18% हो जाए, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 18% एमजीओ कंटेंट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज, बहुत बार एग्जाम में आता है कि एमजीओ कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 18%, सो इट विल बी कॉल्ड एज कॉमिटियाइट, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज कॉमिटियाइट और कॉमिटाइट जो भी कह लो। उसके बाद एक और टर्म आती है, अगर लेस देन 12% हो एमजीओ, अगर लेस देन 12% हो या फिर क्योंकि 10 से 12% है तो वो कौन सा होगा, उसका क्या नाम होगा, इट विल बी कॉल्ड एज मोर, ठीक है, मोर कहेंगे। और क्या कहेंगे इसको हम, थोलेटिक बेसॉल्ट। तो ये क्वेश्चन आपको नेट में देखने को मिल जाएंगे, गेट में देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई इस साइड के बारे में, अल्ट्रा बेसिक रॉक के बारे में। जब अगर मैं कह दूँ कि ऐसी अल्ट्रा बेसिक रॉक बताओ जिसका Na2O K2O कंटेंट हाई है काफ़ी, तो वो कौन सी होगी अल्ट्रा बेसिक रॉक, तो उसका नाम होगा वेसेनाइट, ठीक है, क्या नाम होगा उसका, वेसेनाइट। अगर मैं बोलूँ कि अल्ट्रा बेसिक छोड़ दो, ऐसी बेसिक रॉक बताओ जिसका Na2O K2O कंसेंट्रेशन हाई हो अलॉन्ग विद सिलिका, तो उसका नाम क्या होगा, ट्रेकी बेसॉल्ट, ठीक है। तो बेसॉल्ट के आगे क्या लग जाएगा, ट्रेकी लग जाएगा जब Na2O K2O कंसेंट्रेशन हाई होगा बेसिक रॉक का, ठीक है। और यहाँ पे तो सिमिलरली आपको पता ही है कि BADR एसोसिएशन चल रही है, विच इज बेसॉल्ट, बेसॉल्टिक एंडेसाइट, एंडेसाइट, डिकाइट एंड लास्ट में BADR, है ना, यही चलती है ना, जब हम आर्क डायग्राम में भी देखते हैं BADR कंसेंट्रेशन चल रही होती है, BADR एसोसिएशन चल रही होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सिमिलरली बाकी तो इजी है, देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में अगर ट्रेकाइट में क्वार्ट्स लेस देन 20% हो तो उसको हम सिमिलरली कहेंगे कि वो ट्रेकाइट है, और अगर वो 20% से ज़्यादा आ जाए क्वार्ट्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेकी एंडेसाइट लगा देंगे उसके साथ। सिमिलरली यहाँ पे देखो एंडेसाइट एक क्या है, इंटरमीडिएट रॉक है, और अगर उसके ऊपर जाएंगे हम जहाँ पे Na2K2 कंसेंट्रेशन बढ़ने लगा है तो सिमिलरली एक के साथ क्या लगा देंगे, सीधा सीधा टी लगा देंगे, वो क्या इंडिकेट करेगा कि Na2O K2O जो कंसेंट्रेशन है वो हाई है, ठीक है। ये यहाँ पे पिक्रो बेसॉल्ट आ गया, बेसॉल्ट के ऊपर ट्रेकी बेसॉल्ट, बेसॉल्टिक एंडेसाइट के ऊपर K2O Na2O कंसेंट्रेशन हाई हुआ तो ट्रेकी एंडेसाइट, यहाँ पे ट्रेकी एंडेसाइट, यहाँ पे ट्रेकाइट सिमिलरली, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Na2O कंसेंट्रेशन कितना बढ़ गया, 13 तक बढ़ गया, तो यहाँ पे हमने साफ साफ कौन सी रॉक प्लॉट कर दी, फोनोलाइट। तो फोनोलाइट क्या है, फोनोलाइट है नेफेलिन साइनाइट का वोल्केनिक इक्विवेलेंट, राइट, तो यहाँ पे हमने फोनोलाइट प्लॉट कर दिया। सिमिलरली अगर हम बेसेनाइट और टेफेराइट की बात करें तो इसका डिफरेंस क्या है, तो बेसेनाइट क्या है, एक एल्कलाइन रॉक है, तो जब हम देखेंगे कि ओलिविन का कंसेंट्रेशन, तो ओलिविन थोड़ा बहुत अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम बेसेनाइट कहेंगे, लेकिन जिस रॉक में ओलिविन एब्सेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज टेफेराइट, ठीक है, बहुत ही कम कंसेंट्रेशन होगा ओलिविन। इसी तरह अगर हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे Na2O K2O की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो उसको हम बोलेंगे फोनोटेफेराइट, ठीक है, फिर टेफी फोनोलाइट, उसके बाद लास्ट में क्या बन जाएगा, फोनोलाइट। सो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, तो ये काफ़ी इजी था, इतना कुछ टफ नहीं था इसमें, तो बस वही है ना कि एक बार कोई बता देता है तो वो थोड़ा ज़्यादा इजी समझ में आ जाता है। मेरे टाइम पे क्या होता था कि मैं तो ये डायग्राम देख के डर जाती थी, मैंने कहा ये क्या बनाया, क्या वो कुछ पता नहीं लग रहा है। तो इसमें ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो वो याद भी हो जाएगा और आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो जब हम जियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम मैग्मा के साथ इन सब रॉक्स को पढ़ने वाले हैं, तो तब आपको आसानी रहेगी। जब मैं ट्रेकाइट के बारे में बात करूँगी, पिक्रो के बारे में बात करूँगी, तो आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे क्या बीच में बात कर रही है ना। चलो तो डैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।